The osmotic expansion of the cell kept in water is chiefly regulated by. क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर के थ्रू सेल के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं जो ऑस्मोटिक एक्सपांशन को कंट्रोल करती है. तो ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था. और हम देखते हैं ऑप्शंस को. फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोई काम नहीं करती ऑस्मोटिक एक्सपांशन में, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा. सेकेंड ऑप्शन है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. और वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये अपने अंदर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को, अदर जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं इनको स्टोर करके रखती है. और साथ ही साथ ये हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में सेल के. तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा. थर्ड है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा. फोर्थ है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का भी इस में कोई रोल नहीं होता.